खत्म हुई बीजेपी में मुख्यमंत्री की तकरार। छत्तीसगढ़ के चुन लिए गए नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर लगी मुहर। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का शपथ ग्रहण कार्यक्रम रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 13 दिसंबर को होगा। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई राज्यों के मुख्यमंत्री सहित अन्य राष्ट्रीय नेता आ सकते हैं। चुनाव खत्म होने के इतने दिन बाद तक भाजपा तीनों राज्यों में अपने मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं कर पा रही थी, लेकिन कल छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नए चेहरे के रूप में विष्णुदेव साय को मुहर लगा दिया गया और वो चुन लिए गए। लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश और राजस्थान की कमान किसको देनी है, इस पे राष्ट्रीय कमान विचार विमर्श कर रहे हैं। इससे पहले साय ने राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। सूत्रों के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष हो सकते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में दो डिप्टी सीएम होंगे, इनमें अरुण साव और विजय शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। दोनों ही नेता पहली बार विधायक बने हैं। विजय शर्मा जहां पहली बार चुनाव जीत कर निर्वाचित हुए हैं, वहीं अरुण साव सांसद रह चुके हैं। भाजपा हाईकमान के फैसले से भाजपा के सभी कार्यकर्ता खुश हैं। इससे पहले भाजपा विधायक दल की बैठक हुई, इसमें पूर्व सीएम रमन सिंह ने विष्णुदेव साय का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया। इस प्रस्ताव का प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने समर्थन किया। इसके बाद विष्णुदेव साय के ऊपर मुहर लग गई। इसके बाद उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया और रूल्स के मुताबिक जो विधायक दल का नेता चुना जाता है वही मुख्यमंत्री होता है और राज्यपाल के सामने अपने मुख्यमंत्री बनने की प्रस्ताव को पेश करता है। मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद विष्णुदेव साय ने कहा, सबसे पहले मैं बीजेपी को धन्यवाद देता हूँ, मैं मोदी की गारंटी को पूरा करने का 100% काम करूंगा। इसके बाद उन्होंने दो बड़ी घोषणाएं की, लेकिन आला कमान से किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि विष्णुदेव साय के ऊपर मुहर लगेगी। सीएम के रेस में कई चेहरे थे, लेकिन पार्टी हाईकमान ने विष्णुदेव साय के ऊपर भरोसा जताते हुए उन्हें छत्तीसगढ़ की कमान उनके हाथों में सौंप दी। विष्णुदेव साय की माँ जसमनी देवी ने कहा कि आज मेरे बेटे को छत्तीसगढ़ की सेवा करने का सौभाग्य मिला है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि बेटा सीएम बन गया। परिवार के अन्य सदस्यों ने कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनने से गौरव हो रहा है। वहीं राजनीतिक पंडितों का मानना है कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में फिर से आदिवासी वोट को एकत्रित करने के लिए बहुत अच्छी दाव खेली है। विष्णुदेव साय के ऊपर मुहर लगाने से बहुत राजनीतिक पंडित तरह तरह के बातें कर रहे हैं। बीजेपी प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि अनुभवी कार्यकर्ता है, अटल जी के कार्यकाल में मंत्री रहे, कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि विष्णुदेव साय जी को भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने पर बधाई, नवा छत्तीसगढ़ की न्याय और प्रगति यात्रा को आप मुख्यमंत्री के रूप में आगे बढ़ाएं, ऐसी कामना करता हूँ।